सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। वैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस दिखाई, और आज वो दिन आ गया जबकि 40,000 किलोमीटर वाली सर्विस होनी है। वैसे तो देखो, इसको एक साल होने में अभी सिर्फ 5-6 दिन बचे हैं सर्विस को ड्यू होने में, लेकिन अभी ये चल गई है एग्जैक्ट 38,400 समथिंग चल जाएगी। अभी मैं इसे 1600 किलोमीटर रोज चला सकता हूँ, लेकिन मैंने आपसे पिछली शॉर्ट वीडियो में पूछा था कि सर्विस कैसे कराऊं, पहले ही करा दूं या एक साल के ऊपर जाके पूरे 40,000 किलोमीटर करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो करा ही लेते हैं, तो इस वीडियो को सिंपल एंड शॉर्ट रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि 40,000 किलोमीटर की सर्विस में मेजर क्या क्या होता है, क्योंकि ये मेजर सर्विस होने वाली है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि अब इसके ब्रेक पैड भी बेकार हो चुके हैं, वो काफी मतलब वो बाइट कम हो गई है ब्रेक्स की। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इसके ब्रेक्स की भी बाइक थोड़ी सी कम हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि 40,000 किलोमीटर चलने के बाद ब्रेक पैड तो बदल जाने चाहिए, और बाकी अभी पता चलेगा वहां जाके कि क्या क्या चीजें आती है क्या क्या चीजें नहीं होती है। तो ठीक है, मैं आपको जरूर अपडेट करता हूँ। वहां पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ जो जो उसमें काम होते हैं कैसे, अगर हो पाया तो मैं ठीक है मिल। वैसे मैं इस वक्त मेरठ में हूँ, मैं मेरठ के सर्विस सेंटर पर ही जा रहा हूँ। काफी अच्छा सर्विस सेंटर है, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, और अभी सुबह के बज रहे 7:45। एक्चुअली उन्होंने अपनी जो सर्विस है वो सुबह 7 बजे से स्टार्ट कर दी है। जी हाँ, सुबह 7 बजे से। मेरे लिए बहुत ईजी हो गया क्योंकि मुझे सुबह सुबह ऑफिस निकलना होता है, जिसकी वजह से यूट्यूब के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। तो अपना कभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो 7 बजे पहुंचो, 8 बजे तक रिजोल्व अपना, 9-10 बजे तक ऑफिस। तो ये जो लोग जल्दी उठते हैं, जिन्हें जल्दी जाना होता है और वीकेंड को भी यूज़ करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइमिंग सेट कर दिया उन लोगों ने, बिल्कुल परफेक्ट। सो ये मेरठ दिल्ली हाईवे है जहाँ पे मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है। सिर्फ यहीं का थोड़ा सा एक पैच बचा है और अंदर आई होप कि आने वाले एक साल के अंदर ये भी ऑपरेशनल हो जाएगी। भाइयों, सर्विस सेंटर तो पहुंच गए हैं पर अभी गेट नहीं खुला है यहाँ का। मुझे बोला गया था कि 7 से 8 के बीच आ जाओ, पर अभी मुझे लगता है गार्ड फोन करके पूछ रहा है, लोगों को पता ही भी नहीं है, कहीं आज मेरा कट ना जाए। यहाँ बताता हूँ थोड़ी देर में देख कर, ठीक है? बाय बाय। ठीक है गाइस, टाइम तो सही टाइम पे आया हूँ मैं, सर्विस करने वाले भी लोग आ गए हैं। अभी जो है मेन गेट नहीं खुला है अभी। अभी मेन गेट की चाबी आ रही है, मेन गेट खुलेगा तब हम अंदर एंट्री करेंगे। भाई सर्विस तो हो गई है, अच्छी हो गई है सर्विस, बट मेरी सर्विस का जो टोटल चार्ज आया वो आया 10,000। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि भाई संडे में मारुति की इतनी सर्विसिंग की गाड़ी है, इतनी सर्विस की गाड़ी है कि आधे घंटे से गाड़ी बाहर ही नहीं निकल पा रही। बाकी ओवरऑल घर जाके मैं बिल एक बार आपको दिखाता हूँ, बाकी सर्विस ठीक है, बढ़िया। तो भाई सर्विस तो हो गई है, अच्छे से हो गई है, और मेरा टोटल सर्विस का जो अमाउंट आया वो आया 10,000। 10,000 में मैं बता देता हूँ, सारे फिल्टर चेंज हुए हैं, स्पार्क प्लग चेंज हुआ है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है, और बाकी जो छोटे मोटे आइटम होते हैं तुम्हारे, कोलेंट चेंज हुआ है, ब्रेक ऑयल चेंज हुआ है, और बाकी जो छोटे मोटे छोटे मोटर के आइटम होते हैं वो सारे कवर हो रहे हैं आपके पूरे 10,000 में। जो मेजर आइटम है वो आपका इंजन ऑयल था, और चारों स्पार्क प्लग इसमें चेंज हुए हैं, ठीक है, और सारे फिल्टर चेंज हुए क्योंकि 40,000 किलोमीटर की सर्विस थी। और लेबर कॉस्ट भी अच्छी थी, मतलब ठीक है, अगर आप एक सीधी मेजर सर्विस कर रहे हो तो रीजनेबल है एंड ठीक है, गुड। इसमें इतना ही, बाकी बिल का डिस्क्रिप्शन मैं शायद दे दूंगा आपको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यही 4-5 आइटम होते हैं बाकी। तो
आप अगर जा रहे हो तो मोटा मोटा देखो सेंटर टू सेंटर चेंज करता है हार्डली 9 से 10 या 8-9-10, यही आपकी 40,000 की मेजर सर्विस आने वाली है अगर आपके ये पार्ट्स चेंज हो रहे हैं तो। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव या कुछ भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।